आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया जेंडर। नॉट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर। तो विल सी हियर नंबर मींस वचन। देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर मींस एक वचन, प्लुरल नंबर मींस बहुवचन। सिंगुलर नंबर इन द सेंस कि वैसा नाउन जो सिंगल यूनिट हो, एक यूनिट को दर्शाता हो, मतलब एक वस्तु व्यक्ति को या स्थान को दर्शाता हो, तो वो सिंगुलर नंबर में कहा जाता है। कोई भी एक नाम को दर्शाने वाला, वैसा कोई भी नाउन जो सिंगल यूनिट को दर्शाता हो वो सिंगुलर नंबर में होगा, और वैसा नाउन जो एक से अधिक यूनिट को दर्शाता हो, मोर देन टू टू यूनिट्स को दर्शाने वाला जो नाउन होगा वो प्लुरल नंबर में कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिकली नंबर में जो कुछ हम पढ़ते हैं वो नाउन के बारे में ही पढ़ते हैं। नाउन सिंगुलर होगा या प्लुरल, कोई भी नाउन सिंगुलर है या प्लुरल, उसकी जो जानकारी मिलती है हमें नंबर की, नंबर के आधार पे ही हम पहचान पाते हैं कि कोई भी नाउन सिंगुलर है या प्लुरल है। तो वी विल सी हियर सिंगुलर नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन। सिंगुलर नंबर मींस एक वचन, एक वचन। एज यू कैन सी हियर व्हाट एवर रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ नेम, डेफिनेशन इज सेम हियर। द नाउन which denotes one person, place or thing is called singular number. Now you can see here the noun which denotes one person, place or thing is called in singular number. What is the meaning of this? That means any noun which denotes a single unit. Any noun which denotes a single unit, a single person, a single place or a single thing's name, that is called singular. फॉर एग्जाम्पल विलसी है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे बुक। हेयर यू कैन सी बुक मीन्स व्हाट इट डिनोट्स, इट डिनोट्स अ सिंगल यूनिट, अ वन पीस। दैट मीन्स कि बुक कहने से आपको क्या पता चलता है कि किसी एक बुक की बात हो रही है या किसी एक बुक की ओर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे संख्या कितना इंडिकेट कर रहा है, एक। तो यहाँ पे जो बात हो रही है एक किताब की बात हो रही है। तो चलिए दूसरा जैसे हम देखते हैं पेन। फैन, डॉग, कॉम, बॉय, कैट, इट इज, these are the examples of singular number. ये singular number के examples. Now we can see here, we will see another point, that is plural number. Plural number. Plural number means बहुवचन. Plural number means बहुवचन, that means more than two, more than one, two or three, maybe four, five, six, whatever.
means more than one. It indicates more than one things, place or persons. That means we can say the noun which denotes more than one person, place or thing is called in plural number. वैसे noun जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को दर्शाएगा, वैसे नाउन को हम लोग प्लूरल नंबर में बोलेंगे। द नाउन विच denotes more than one person, place or thing is called in plural. That means what? The noun which denotes more than one person, place or thing is called in plural number. That means ki such nouns which denotes more than one unit, 2, 3, 4, 5 or maybe whatever, means more than one unit, the noun which denotes more than one unit. All those nouns which denotes more than one unit is called in plural number. मीन्स आप यहाँ पे आपने क्या देखा कि वैसे सारे नाउन जो एक से अधिक यूनिट को दर्शाएगा, मतलब जो एक से अधिक संख्या को दर्शाएगा, 2 दर्शाए 10 दर्शाए बहुत सारे को दर्शाए, वैसे सारे नाउन प्लूरल नंबर में कहे जाते हैं। जैसे books, pens, fans, dogs, cars, wires, cats, etc. See the word here written book and here books. That means what is different between this book and this books? This is singular and this is plural. It's a very simple difference. This is singular and this is plural. So this is the basic difference. Now we will see how to make singular to plural, because जो भी नाउन है, मैक्सिमम नाउन्स प्रायः जितने भी नाउन है, कुछ नाउन्स को छोड़कर, हमारे इंग्लिश ग्रामर में जितने भी नाउन है कुछ को छोड़ करके मैक्सिमम क्या है, बाय नेचर ये सिंगुलर में होता है। नाउन क्या होता है, बाय नेचर जो होता है ये सिंगुलर होता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स इन सेंटेंस वी मेक इट प्लूरल। हम इसे प्लूरल बनाते हैं, हम अपनी जरूरत के अनुसार, वेन एवर वी नीड इन प्लूरल फॉर्म वी यूज दैट दोज प्लूरल फॉर्म्स। मीन्स जब भी हमें कभी इसकी प्लूरल फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, उस कंडीशन में हम इसका प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली बाई नेचर ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, कुछ नाउन्स को छोड़कर। मैं ये हमेशा के सारे नाउन्स ऐसे नहीं है कि सब वो प्लूरल, सॉरी मैंने क्या बोला, मैं बोलना ये चाह रहा था कि जितने भी मतलब कि नाउन्स हैं, प्रायः सारे नाउन्स बाय नेचर सिंगुलर होते हैं। अगर हमें इनका प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करना हो तो इसे प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे प्लूरल में कन्वर्ट करने का तरीका, कुछ तरीका है इसका सिंगुलर से प्लूरल में बनाने का।
तो बेसिकली क्या करते हैं कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो सिंगुलर नाउन है उसके अंत में हम लोग एस लगा देते हैं, वी एड एस इन सिंगुलर नाउन जनरली प्राय, बट सारे केसेस में नहीं, नॉट इन ऑल केसेस, नॉट इन ऑल काइंड ऑफ नाउन्स, इन सम नाउन्स व्हाट वी डू वी put s at the end of noun and make it clear, plural. So let's see here how to make singular to plural. Number one, s at the end of any singular s लगा देते हैं और उसका plural बना देते हैं. Generally, we put s at the end of singular countable noun, singular countable noun. Now I use one words, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है singular countable noun. तो मैंने इसके पहले भी आप लोग को जब टाइप ऑफ नाउन पढ़ा रहा था तो वहां पे चर्चा किया था, I was discussed that the type of noun and I told you, I taught you about countable and uncountable noun. You may remember that मैंने आपको बताया था कि नाउन काउंटेबल गणना के आधार पर दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. मैंने जो पांच प्रकार का नाउन डिवाइड किया था इस प्रकार से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं भी आप लोग को पीछे वाला ध्यान में नहीं हो. तो ये पांच प्रकार से मैंने नाउन को डिवाइड किया था, नाउन का टाइप था, पांच प्रकार का नाउन होता है, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं. इस पांचों में से मैं आपको बताया था, आई टॉट यू अर्लियर, दीज नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड दीज टू आर कॉल्ड, नाउ यू कैन सी हियर, these three nouns are called countable noun and these two are called uncountable noun. So what is basic difference of them? There are basic difference. Difference is that if that noun can be counted and these nouns cannot count. हम लोग इसे गिन सकते हैं और इसे गिन नहीं सकते हैं, यही दोनों में basic differences है. तो जब भी हम किसी कभी प्लुरल बनाने की बात करेंगे, जब भी हमारे दिमाग में किसी नाउन का प्लुरल बनाने की हम सोचेंगे तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि काउंटेबल नाउन का ही प्लुरल बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जाता. इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब भी आपके दिमाग में काउंटेबल बनाने की बात आए, प्लुरल बनाने की बात आए, तो हमेशा आपके दिमाग में काउंटेबल नाउन ही आना चाहिए.
क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं, उसका प्लुरल नहीं बनाया जाता। मैं वहां पर भी बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जाता, प्लुरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का बनाया जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एट द एंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल एस लगाकर और उसका हम लोग प्लुरल बना लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा और आपको अंदर बताना चाहूंगा कि इसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्ब के बारे में भी बताया। आई टॉट यू वर्ब, सो इन व्हाट हैपेंस इन वर्ब व्हेन वी पुट एस एट द एंड ऑफ वर्ब, व्हेन वी पुट एस एट द एंड ऑफ वर्ब दैट वर्ब बिकम इन सिंगुलर फॉर्म, that verb become in singular form. What is the basic difference of verb and noun? Verb और noun के बीच में basic difference है क्या? What is the basic difference? तो basic difference यही है कि verb में verb action को दर्शाता है और noun नाम को दर्शाता है। तो verb में जब हम s या es लगा रहे थे तो singular बन जा रहा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो वर्ब में एस या ईएस दिखते हैं ना, तो उनको नाउन वाला कंसेप्ट याद हो जाता है कि नाउन में तो एस या ईएस, जैसे बॉय में एस लगाए तो बॉयज हो गया तो प्लुरल हो गया, तो समझते हैं कि प्ले में एस लगाए प्लेस तो भी प्लुरल हो गया। जनरली लोग ऐसा ही समझते हैं लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, तो जब हम नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो प्लुरल बनता है। रखेंगे मैं यहाँ पे चर्चा इसलिए वर्ब का, लेकिन वर्ब के केस में वैसा सही नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिंगुलर नाउन का पहला रूल कि कोई भी हम लोग जो है सिंगुलर से प्लुरल बनाते कैसे हैं नाउन को। तो बेसिक रूल जो आपने पहला लिखा उसमें क्या था कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अर्थात यहाँ से एक बात आपको फिक्स हो गया होगा, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखी थी उससे यह बात फिक्स हो गया होगा कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वो कौन होगा, किस प्रकार का होगा। पूरा क्लियर है आपको, एकदम क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन हो सकता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्राय आपको नहीं बनाया जाता है, आपको याद होगा, मतलब एक नाउन और छट गया वहां से, प्रॉपर नाउन भी छट गया, तो बचा क्या, कॉमन और कलेक्टिव। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कॉमन और कलेक्टिव नाउन पे, जो भी कोई कॉमन या कलेक्टिव नाउन होगा वही प्लुरल बनेगा, राइट। तो चलिए आकर के हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो व्हाट इज रिटन हियर, हियर इट्स रिटन जनरली वी पुट एस एट द एंड ऑफ एनी, this is s at the end of singular countable noun. Now we will see singular plural. Singular means ek vachan or plural means बहुवचन। जैसे बॉय, इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, बॉयज। पेन, पेन्स। तो आपने यहां पे क्या देखा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, हियर We add s at the end of this singular noun. हमने इस singular noun के अंत में क्या लगा दिया, s. तो ये हो गया plural. Book. Books. Table.
तो यहाँ पे मैक्सिमम जो नाउन्स होते हैं उसका हम लोग पुनर इसी प्रकार से बनाते हैं, कुछ नाउन को छोड़कर, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। आप इसे नोट कर लें। चलिए हम लोग रूल नंबर टू देखते हैं। अब रूल नंबर टू क्या है? रूल नंबर टू कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके अंत में सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या सिंगल एस हो, सी एच, एस एच, एस और एक्स लगा, डबल एस भी हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उस नाउन के अंत में हम लोग ई एस जोड़ते हैं। वट वी एड ई एस, नॉट ओनली एस बट ई एस सी है। इफ नाउन, इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विथ सी एच एस एच एस एस we can say double s s or s then we add es at the नाउन को मेक प्लूरल। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद सी एच, ध्यान देंगे सी एच, एस एच, एस एस, एस एक्स, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत में ये लगा रहे हैं, सी एच लगा रहे हैं, एस एच लगा रहे हैं, एस एस लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं, एक्स लगा रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, वी एड ई एस। व्हाट वी डू, वी एड ई एस एट द एंड ऑफ नाउन टू मेक प्लूरल। मतलब कहता है क्या कि यदि कोई नाउन ऐसा है जिसके अंत में सी एच लगा रहे, एस एच लगा रहे, एस एस लगा रहे या सिंगल एस हो, एक्स हो, तो वैसे ऐसे शब्दों से अंत होने क्लास।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंत में क्या लगा हुआ है, एस एच, देखिए एस एच ये वाला है, अंत में क्या लगा हुआ है इस नाउन के, ये एक नाउन है और इस नाउन के अंत में क्या लगा है, डबल एस लगा है। तो इसका जब हमें प्लुरल बनाना होगा हम लोग क्या करेंगे, इसके अंत में ये ई एस जोड़ देंगे, तो इसका प्लुरल बेंच। इसके अंत में क्या लगा हुआ है, बेंचेस। उसी प्रकार से जैसे वॉच, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस, बस, बसेस, ड्रेसेस, ब्रश, ब्रशेस, टैक्स, टैक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, गैस, गैसेस, और भी होते हैं, और भी कई नाउन्स हैं। तो इस प्रकार के अगर नाउन्स आपको दिख जाए, वैसा कोई नाउन दिख जाए, वो काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और अंत में डबल एस लगा हो, सी एच लगा हो, एस एच लगा हो, एस लगा हो, एक्स लगा हो, तो ऐसे कंडीशन में जब इसका प्लुरल बनाना हो तो यदि ऐसे ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यस That ES case, what we do? E सम्राट को मोना थ्री। कि यदि कोई सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा हम लोग को देखना पड़ते Y हो तो हटाकर I ES लगाकर if Y then नहीं बोला वाई तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दिया होगा, तो मैं इस पॉइंट को फिर से डिस्कस कर दिया। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री को मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, मे बी आप लोग को सुनाई नहीं दिया हो, और अगर दे दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो फिर से समझिए। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो लिखी हुई बात है आप इस पे ध्यान देना, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद वाई एंड बिफोर वाई देयर इज अ कंसोनेंट, then in place of y we use ies to make its plural। कहता है क्या रूल नंबर थ्री, कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में y हो और उस y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वैसे स्थिति में उस y को हटाकर ies लगा देते हैं और उसका plural बना लेते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, आई एस लगाते हैं y को हटा कर, आई एस कब लगाते हैं, जब y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाउल रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा सिर्फ s लगेगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले बताया था y और y का प्लुरल आपने क्या बनाया था, वॉयस, यहाँ पे है y, देखिए अंत में क्या है, y है और y के पहले क्या आया हुआ है,
ये कॉन्सोनेंट नहीं है, अंत में वाई है लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, भावल है। तो जब भावल रहे तो वैसा काम हम लोग नहीं करते, सिंपली एस लगाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि वाई हो अंत में और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। यस, बेबी, देखिए बेबी के लास्ट में क्या है, वाई, और इस वाई के जस्ट पहले यहाँ पे क्या है, बी। तो बी क्या है, वाउल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है। तो जब ये वाई अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका पुल्लक बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग वहां से वाई को हटा देते हैं और अंत में क्या लगाते हैं, आई एस। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे लेडी, हम लोग क्या बोलते हैं, लेडीज। अ स्टोरी, तो क्या बोलते हैं, अ स्टोरीज लोग लिखते हैं। जब उसका पुल्लक बनाओ तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि अंत में है वाई और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हमने जब इसका पुल्लक बनाया, ये देखिए ये सिंगुलर है और ये पुल्लक है, यहाँ पे आप लोग एडिंग देख करके लिखेंगे सिंगुलर और इधर लिखिएगा प्लूरल। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हियर वी फाइंड वाई एंड बिफोर वाई देयर इज अ कॉन्सोनेंट। यू कैन सी हियर इन दिस वर्ड, दिस पर्टिकुलर नाउन, एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर नाउन देयर इज वाई एंड बिफोर वाई देयर इज अ कॉन्सोनेंट। सो इन दिस केस व्हाट वी डू, we remove this y and in place of this y we add ies to make its plural। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई वर्ड, ऐसा वर्ड मिल जाए जिसके अंत में y हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए y को हटाकर ies ऐड कर दो। इट्स वेरी क्लियर आई थिंक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि ऐसा तब करते हैं जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, जब वाई के पहले कोई भावल हो तो वाई ईएस नहीं बल्कि सिर्फ एस लगाते हैं। नोट करके यहाँ पे आप लिख ही लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर ऐसा तो बताइए नहीं किए थे। तो चलिए ऐसा करो, रूल नंबर चार ही बना लो, अलग से एक और रूल बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नोट फोट ज्यादा करने से ठीक नहीं है। रूल नंबर चार लिख लो, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद वाई एंड बिफोर वाई देयर इज अ, इस कॉन्सोनेंट के जगह पे कर देना वाउल, देन we add s at the end of noun to make its plural। चलिए एक और रूल हो गया हमारा क्लियर। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इससे पहले हमने पढ़ा था, बिफोर दिस रूल, रूल नंबर 3 वाज दैट कि इफ अ नाउन एंड्स विथ वाई एंड बिफोर दैट वाई देयर इज अ कॉन्सोनेंट एंड ऑन दैट केस व्हाट वी डू,
What we were doing? We were doing removing y, and place of y we were adding ies. But now in next case, what is there? If suppose any noun ends with y and before that y there is a vowel, not consonant, vowel. In this case, what we do? We add only s at the end of noun. We make it fuller. Just it. Why? Why का क्या हो जाएगा? Boys. हमने कुछ हटाया नहीं यहाँ पे. इससे पहले वाला केस में क्या हो रहा था? क्योंकि y था अंत में और y के पहले consonant था, तो y को हटा कर हम लोग ies लगा रहे थे. लेकिन इस केस में क्या है? y है और y के पहले क्या है? vowel है. तो जब vowel होता है तो उसमें कुछ बदलाव नहीं करते हैं, simply क्या करते हैं? s लगा कर उसका plural बना लेते हैं. जैसे twice. तो क्या हो जाएगा? twice. अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, सर आप तो पढ़ा रहे हैं नाउन तो यहाँ वर्ब क्यों लिख दिए? तो देख लो, इंग्लिश बड़ा परेशान करने वाला चीज है, और ये जो है एक ही वर्ड जो है कई सारे रूप में आते हैं, कई सारे अर्थ में होते हैं. प्ले मतलब खेलना भी होता है, और प्ले मतलब ड्रामा भी होता है, नाटक भी होता है. तो जब आप प्ले का प्रयोग खेलना के अर्थ में करोगे तो वो वर्ब हो जाएगा, और जब प्ले का प्रयोग आप ड्रामा के अर्थ में करोगे तो वो नाउन हो जाएगा. कुछ बच्चे को ये समझने में थोड़ी परेशानी होगी अभी, लेकिन आप धीरे धीरे इसको समझोगे. अभी आपकी लेवल जो है इस प्रकार का नहीं है. धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ेगा इंग्लिश में, अच्छे से आप ग्रामर सीखोगे तो आप इसको समझ पाओगे. बट अभी ये समझ लो कि ये प्ले मतलब नाटक हुआ, ड्रामा हुआ, और ये अभी यहाँ पे नाउन. क्लियर? कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे बीच में तो मैं आपको बताते रहूंगा. जैसे ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा? ऐसे आप देख रहे हैं कि अंत में वाई और वाई के पहले भावेल, अंत में वाई और वाई के पहले भावेल, दे दे अंत में वाई और वाई के पहले भावेल, तो क्या हो जाएगा? देज. तो आई थिंक कि आप सभी को क्लियर होगा. आगे हम लोग चर्चा कल करेंगे, कुछ पॉइंट्स और हैं उसके लिए हम लोग कल देखेंगे.